जल संकट और जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरे देश में मंथन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश भी लगातार ग्लेशियर पिघलने और लैंडस्लाइड जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसका कारण जलवायु परिवर्तन भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जलवायु परिवर्तन का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे जलवायु परिवर्तन पर पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने शिमला में विभिन्न विभागों के साथ 3 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें कई वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन पर अपने विचार साझा किए हैं। कार्यशाला में वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के नुकसान और उससे निपटने के लिए क्या किया जाए, इसको लेकर सुझाव भी दिए हैं। विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी के निदेशक डीसी राणा ने बताया कि क्लाइमेट चेंज के कारण कृषि बागवानी पानी वन और प्रकृति पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसमें पानी एक बहुत बड़ा संकट है। हर साल पानी की उपलब्धता कम हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे प्राकृतिक स्रोत भी खत्म हो रहे हैं। इससे कृषि और बागवानी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस समस्या से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर वैज्ञानिकों के साथ विभागों के अधिकारियों ने चर्चा की है, ताकि भविष्य में। ये वर्कशॉप बेसिकली क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन पे है। जैसे हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज एक्चुअली हो रहा है, और उसकी तैयारी के लिए विभागों को क्या करना है, किसानों को या आम जनता को किस तरह से तैयार करना, उसके बारे में चर्चा हो रही है। और 3 दिन की वर्कशॉप के एंड में वी एक्सपेक्ट कि जो डिपार्टमेंट हैं वो अपने एक्शन प्लान कुछ यहाँ ब्रॉडली बनाएं और फिर हम उसको आगे ले जाएं। और ये प्रोग्राम जो है हमने ग्रामीण स्तर से शुरू किया है। हम पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम कर चुके हैं। आज विभागों के साथ है, सभी विभागों के लिए एक जनरल डिस्कशन है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होगा कि हम विभाग वाइज बैठें और उनके साथ देखें कि क्लाइमेट चेंज के लिए वो कितने तैयार हैं, उनके वर्तमान कार्यक्रम और जो वर्तमान कार्यक्रम है उनमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, और फ्यूचर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज के नुकसान को कम किया जा सके। इस पे एक्शन प्लान विभाग बनाएंगे। और पानी की समस्या का जैसे लेके समस्या है, तो पानी का एक समय था जब हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग उतनी रिक्वायर्ड नहीं थी स्टेट पे, लेकिन काफ़ी समय से ये महसूस किया जा रहा था कि जो पानी है अगर उसकी उपलब्धता हर साल पर्याप्त मात्रा में की जाए तो उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है। और अर्बन एरिया में भी प्रमोट हो रहा है, और इस बार जो है इस साल मॉनसून में भारत सरकार का भी एक फोकस्ड अप्रोच है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस करें, क्योंकि अगर पानी को हम संजो के नहीं रखेंगे, कंजर्व करके नहीं रखेंगे, तो उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराना मुश्किल है।